भटूरे बनाती ना पूरी की जगह और अच्छे लगते। अचार रखा तूने? अचार रखते हैं। भेज दे है ना। हाँ अमरू खाना बन गया है। जी मम्मी जी खाना बन गया है, सब तैयार है। बाऊ जी कैसे? ठीक है, वह जिससे दवाई मंगा लेती पूरी मिला के दूध में दे दिया, सो रहे वो। हाय मेरे प्राजी जल्दी से ठीक हो जाए बस। जी आपका बाम। बाम? हाँ, अरे सर कितना दर्द कर रहा देते थे। अब्दुल भाईजान उन्हें खाना ना अच्छे से खिला देना, और ये दो तरह के कबाब रखे हैं मैंने इसमें, उन्हें एक एक करके देना। और ये वाला जो डब्बा है ना इसे सब्जी वाले डब्बे के साथ ही खोलना। अबरू तो अब्दुल के साथ ही चले जाना। मम्मी जी पर भाऊ जी उन्हें मैंने संभाल लेना। सच? सच्ची? शुक्रिया मम्मी जी। जा। हाँ। और देखो पंख लग गया उसमें, नाम लेते ही। मैं चलती हूँ, चलिए भाईजान। जी। आए हाय देखो तो जरा। रब रब रब। दवाई तो मैंने आज ही मिलानी है खाने में, चाहे इन लोगों के पीछे पीछे हट्टी तक जाना पड़े। आज रात को वीर जी जब कमरे में आएंगे ना तो उनके सामने अपनी चुन्नी गिरा देना और अपना सर नीचे झुका ले, समझी? की है? मेरे घर के आपको बहुत डांट पड़ी ना, बस उसी गलती को ना सुधार लेना है जी मैंने आज। गुदगुदी होती है जी। ना रहने दो। नहीं जी नहीं, अब दोबारा नहीं हंसूंगी। मेरे पति जी को जो चंगा लगेगा मैं वही करूंगी। चंगा लगता तो तू हंस देती है। नहीं नहीं माफ कर दो। पक्का? पक्का। चल फिर ठीक है। तू कितनी चंगी है। अरे हाय कितने गए तुसी हैं? ओए इतने पड़ा हूँ। हाय रब्बा। और कुछ भी लड़ रही है क्या तू? मैं उठा देती हूँ जी, आओ जी आओ। और रुक, मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ, हट। मुझे आराम ना, मुझे अगर आपसे नहीं हो रहा तो उदय पुत्र जी को बुला दूँ है? और ये देख मैं खुद ब खुद खड़ा हो सकता हूँ। मुझे पर तुसी ठीक तो हो ना? बढ़िया ही पुत्र जी, हट। अब क्या कर दिया मैंने?
अपने शौहर को हराने वाले को मैं मिठाई खिलाऊं? ये तो मुझसे नहीं होगा। अब ये तुम्हारी दोस्त नहीं, हमारी बीवी है। भाग चल मेरे साथ, हम दोनों यहाँ से कहीं चले जाएंगे। भाग चल वश्मा। उदय, गुस्सा निकाल रहा है अपना ना, निकाल निकाल, मेरे ना, मेरे ऊपर निकाल। चल, की हो गया बाबूजी? और नहीं बाबूजी नहीं, तो समझ अपना हम उम्र। चल हो जाए एक एक मार, मैनु चल मार मार। तेनू की समझा है? तू क्या समझा? तू कुछ भी कर सकता है, किसी भी दूसरी चीज पर, पराई चीज पर तू नजर डाल सकता है। और लगता है तेनू कि किसी को समझ नहीं आना है? यही समझता है ना? मार मैनू। और तेरे पियो के बारात आई है, चल निकल यहां से। मार मैनू। हाय रब्बा, क्या हो गया? पुत्र जी को मार क्यों रहे हो? ओ हट, तेरा हाथ टूट जाना। हट सारे। नहीं जी, मैं आपको मारने नहीं दूंगी। हाय रब्बा, अब मार क्यों रहे हो? मैं जेजी को बुलाऊं। जेजी, कौन मुक्की मार देंगी तेरे को? चुप कर जा तू। सबके लिए हमदर्दी सिखवाए अपने पति जी से। जेठ जी बोल रहे हैं। नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, वश्मा वाली गल बाऊजी को आपने बताई? नहीं जी, नहीं, मैंने सच में नहीं बताया। तो फिर वो ये वाली गल क्यों कह रहे थे? मैंने नहीं पता। ध्यान मत दो, रोज का काम है इसका यार। वश्मा, वश्मा, अम्मीजान, अम्मीजान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आज इस दुकान को मैं आग लगा दूंगा, जिसमें जल के उदय हमेशा हमेशा के लिए खाक हो जाएगा। अब्दुल भाईजान, आप पहले अंदर जाइए। 17 को 3 से किया तो 51। अस्सलाम वालेकुम रणदीप साहब। 17। वालेकुम सलाम अब्दुल मियां। 51 में 17 बोरियां जोड़ी तो 68। 68 को ये क्या रणदीप साहब, आप तो कामधाम में ही लगे हैं, कुछ खाना वाना खाया कि नहीं? अरे कहां अब्दुल साहब, तो मैं लेके आऊं? ये बस चाचा जी की दुकान है, ले आता हूं रोटी और सालन। नहीं नहीं अब्दुल साहब, क्या है ना कि हम बाहर का खाना खाते हैं ना, तो हमारे पेट को हजम नहीं होता। और सोचो कितना अच्छा होता कि मैं किसी गांव में किसान होता, दोपहर में मेरी बीवी खाना लेके आती, बड़े प्यार से हमारे लिए खाने की पोटली लाती, हमारे लिए खाना लगाती। लेकिन जनाब हमारी किस्मत कहां? तो ये लीजिए, खा लीजिए खाना।
रणधीर साहब, खेत नहीं तो लाला जी दी हट्टी सही, और बीवी नहीं तो होने वाली वोट्टी सही। आप एक काम कीजिए, आप खा लीजिए, मैं ना धनीराम की दुकान पे जाके लस्सी ले आता हूं। शुक्रिया। डाल के और फिर ये सारा खाना आपने अपने हाथों से बनाया? जी। अब तो आपको यही खाना है जिंदगी भर, आदत डाल लीजिए। नहीं नहीं नहीं, रुको, साफ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस हो रहा है कि उदय अंदर अकेला नहीं है, कुछ लोग और भी हैं साथ में, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। रुको। एक दिन के लिए दुकान आने का मुझे इतना हसीन इनाम मिल रहा है तो मैं तो जिंदगी भर यहां बैठने के लिए तैयार हूं। तबीयत कैसी है जी आपकी? ठीक है। तू अमृत ने मेरे को भेज जी। अमरू तो घर पे नहीं है, दुकान पे भेजा है मैंने उसे रणधीर का खाना लेके। ये बात ठीक नहीं है राजरानी। ना जी ना, मैंने तो ऐसा लगता है कि ठीक बात करते करते ना मैंने बहुत देर कर दी है। ओह, मतलब तू भी मेरे खिलाफ हो गई। ना जी ना। हाँ, बुड्ढा जो हो गया, किसी ने लोड़ नहीं मेरी, इस तो चंगा के रब मैंने उठाई। ना जी ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरी कोई गल बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ आपसे। माफी? आप नहीं रहे तो मैंने क्या करना है जी? क्या देखो जी, आज तक मैंने आपकी हर बात में हाँ मिलाई है, पत्नी होने का हर धर्म निभाया है, और आज आज एक मां बन के तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूं। एक बारी मेरी गल पे विचार करके देखो जी, मैनू ऐसा लगता है कि साड़ी अमरूद नाल ना नाइंसाफी हो रही है, बहुत बड़ा इम्तिहान देना पड़ रहा है उस बेचारी नू। तू की समझ दे, मैं अमृत नाल प्यार नहीं करता, वो मेरी बेटी नहीं है। बेटी ता मेरी है, तुम्हारी ता जान है, जिगर का टुकड़ा है। मैं जानती हाँ तुसी एनी जी भी तकलीफ नहीं देना चाहते हो अमृत नू। एक गल दसा, वसंत पंचमी वाले दिन तुसी कह रहे सी ना कि अमृत के वास्ते ऐसा मुंडा चुनोगे जो आपसे भी ज्यादा प्यार करता हो, तो मैंने कहा था ना जी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आज मैं कहती हूं रणधीर ऐसा मुंडा है जो आपसे ज्यादा ना सही पर आपके बराबर प्यार जरूर करेगा साड़ी अमृत। तो दिल से अपना लीजिए रणधीर। हाँ जी राज रानी, मैं किस तरह भूल जावा कि
कि रणधीर वो मुंडा है जिसने विवाह का वचन तोड़वाया, जिसने किरण नु ना पसंद करके दूजी कुड़ी नु पसंद किया, फिर चाहे मेरी अमृति क्यों ना होवे ना। ना। लो जी, आपने लस्सी तो पी नहीं। अब्दुल मियां, वैसे आप बेफिक्र रहे, मैं आपकी ये लस्सी भी पी लूंगा और इस गिलास को धनी राम को वापस भी कर दूंगा। आज नहीं हो पाएगा ये काम। अच्छा सुनिए, अब आप घर जाइए, काफी लेट भी हो गया और मम्मी जी को भी आपकी फिक्र हो रही होगी, और वैसे ही मुझे बहुत सारा काम है। आप क्या चाहती हैं, कि ये पहला दिन ही मेरा आखिरी दिन हो जाए? खेल लीजिए। अब ये क्या है? मीठा, इसे भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, लाइए। अभी तो आपने खाना खाया है ना, तो आप इसे थोड़ी देर बाद खा लीजिएगा। मेरा मतलब है कि मेरे जाने के बाद इसे खाइए ना। जैसा आपका। अब लेकिन खाइएगा जरूर। जी जरूर खाइएगा। चलिए जी। लगता है अंदर एक ही बंदा है, वो जरूर उदय ही होगा। वक्त आ गया है इस काम को अंजाम देने का। तैयार हो? ये पकड़ो, लाओ यहां। दो खाइएगा जरूर। हमारी तकदीर सितारों की नहीं, हमारी खुद के हाथों में होती है। मुझे लगता है हमारा प्यार धीरे धीरे हमारी तकदीर को बदल रहा है। जिंदगी के मायने अकेले नहीं बल्कि प्यार से मिलकर ही समझ आते हैं। प्यार रब की दी हुई वो ताकत है जिससे हम सारी लड़ाइयां जी सकते हैं। रांझन, गई ये लो, जला दूंगा इस दुकान को, पर इसी के साथ साथ खत्म हो जाएगा वो उदय। हकीम की ये दवा खाते रणधीर ने बावला हो जाना है और फिर अमृत और उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। यही नतीजा है तेरा उदय किशोर साहनी, मेरी बहन को घर से भगाने के लिए, मेरे परिवार की इज्जत को उछालने के लिए। मौत से कम सजा तुझे कैसे हो सकती है? मर, तू जल के मरेगा।
चलो 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 चलो। रब 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 रब। अब्दुल भाईजान, मुझे लगता है कि मैं हट्टी में कुछ भूल गई हूँ। आप एक काम कीजिए, तब तक बाजार से जो आपको सामान खरीदना था वो खरीद लीजिए। मैं बस एवे एवे गई और तेवे तेवे वापस आ गई। जी ठीक है जी। मशाल लेकर क्यों भागे? कैसे लगे? अमृत का है अमृत, वो अंदर चली गई। अमृत आगे खोलो, अमृत अमृत मर गई, मर गई। अब्दुल अमृत, ये आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता लाला जी, जब मैं आया तब तो दुकान जलने लग गई थी और अमृत दीदी अंदर चली गई। शुक्र है अल्लाह का कि रणधीर साहब वक्त पर पहुंच गए और वो आग में कूद गए अमृत दीदी और मोगर बुआ को बचाने के लिए। अमृत आगे खोलो, अमृत
तुमने आंखें नहीं खोली ना तो मैं आग में चल के अपनी जान दे दूंगा। रणधीर ऐसा मुंडा है जो आपसे ज्यादा ना सही पर आपके बराबर प्यार जरूर करेगा सांडिया अमृत। तो अमृत अमृत आगे खोलो अमृत 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 आगे खोलो अमृत आगे खोलो। लाला जी घर लेके चलते इसको। ले चलो। मामी जी वो बीजी आग लग गई। तू शांत रहे सब ठीक हो जाएगा। तू शांत रही दुकान में आग लग गई है लाला जी वहीं गए हैं। हटी जगह छोड़िए वहां से। अमृत 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 क्यों हुआ पुत्र। अमृत ब्रिज डॉक्टर को बुला। प्राची मैं बेग भाई को बुलाता हूँ। बेग भाई अमृत आके खो। बेग भाई अमृत अब जल्दी चल। बीजी क्या हुआ बीजी नो। अमृत लाले अभी अभी वापस आया किसी ने बताया कि दुकान पे आग लगी थी। ओ बेग हाँ सब ठीक तो है ना। बेग नहीं बेहोश हो गई है डॉक्टर। अमरू और मोगरा आग में फंस गए थे ये बेहोश हो गई है वो भी अजीब हरकतें कर रही है जरा देख। हाँ हाँ हुआ भाईजान ठीक है ना सब। धुआं फेफड़ों तक पहुंच गया। मैं एक दवा लिख के देता हूं जल्दी से मंगवा लेना। जी लाइए मैं लेके आता हूं। डॉक्टर मोगरू भी देख ला। मोगर मोगर ओ जी मैंने रोटी का डब्बा लेके अमरू को भेजा था दुकान पे पता नहीं मोगर कैसे चली गई। तुझे कुछ पता है क्या। मैनू नहीं न, नहीं मामी जी बता क्या छुपा रही है तू। नुस्खा था। कैसा नुस्खा था। हकीम जी का कौन की तरह ही दिख रहा था। बीजी चाहती थी कि उसे रणधीर के खाने में मिलाकर दे दे ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए बावला हो जाए। लाले हो सकता है वो कोई जहरीली चीज हो। मैं इसे अभी के लिए एक इंजेक्शन दे देता हूं। भानु जरा इसका हाथ पकड़ना। एक काम करो इसे कमरे में लेके जाओ और नमक का पानी पिलाते रहो जब तक ये बहुत ज्यादा उल्टियां ना करे। हाँ अक्सर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद ही उसी में गिर जाते हैं। परजाय जी रणधीर जो दवा लेकर आए उसे आधे चम्मच में घोल के पिला देना। अगर अमृत को जल्दी होश नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। लाल मैं चलता हूं रहमान गली जाना है बशीर भाई की भी तबीयत खराब है। कुछ हो तो मुझे इत्तला कर देना। ठीक है डॉक्टर चलता हूं। देखा जी आपने रणधीर ने मोगर की जान बचाई। उसी मोगर ने रणधीर को बावला कर देना चाहा। मैं क्या जी अब आपको भरोसा हो गया है ना कि रणधीर चंगा मुंडा है जी। इन्ना क्या सोच रहे हो जेठ जी। जी आपके मन की गलत तो पूरी हो गई जी पूरी। हाँ जी आप ही ने तो कहा था कि मैं अमृत को विदा कर दूंगा जी विदा। क्यों कहा था।
ओए सब गड़बड़ शड़बड़ हो गई। मैंने इसे भांग पिलाई थी ताकि ये अपने और उदय के रिश्ते का सच मेरे सामने उगल दे, पर ये तो प्राजीना ने उलझ गई। राधा ये क्या? जिठानी जी, जेठ जी ने तो कहा था कि वो अमृत का चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहते जी, कभी भी नहीं। हाँ है ना जेठ जी? और लो बात सच हो गई जी, बेटी ने मान ली बाप की बात, और क्या चाहिए। बेहोश तो वो है ही, लेकिन अगर कुछ हो गया ना जेठ जी, तो आप ना सच में ना कभी भी ना उसका चेहरा नहीं देख पाओगे जी, सच में। चुप कर। अजी सच तो कह रही हूँ जी, मैं सच तो कह रही हूँ। ओ जी वैसे कल तो सोची मैंने, हाँ अगर सच में अमृत ने कुछ हो गया तो आप अपने आप को क्या जवाब दोगे हैं? यही कि प्यारी बेटी नू एक अच्छा खासा मुंडे ते नाल प्यार हो गया और मैंने उसकी सजा दे दी। मुझे प्यार की सजा? ऐवे कोई गल हुई जेठ जी? और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अच्छा खासा मुंडा आपने नहीं, इस प्यारी सी बच्ची ने अपने लिए चुनिया है। जी विचारी ने ना कभी भी कुछ भी नहीं बोलिया आपको, कभी भी नहीं, क्योंकि जी सब जानते हैं जी, इस घर में सब जानते हैं कि लाला रतन किशोर सहानी को अपनी बेटी से ज्यादा अपनी पगड़ी से प्यार है जी। पगड़ी पगड़ी जी पगड़ी। ऐरी जी आपकी पगड़ी की कर रही है तू राधा? अजीब बात, एक तरफ है जी बेटी जो अपने बाप की पगड़ी की लाज बचाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को ना जी दांव पे लगाने के लिए तैयार है जी, दांव पे। ते एक तरफ बाप है जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने गुरूर को तक कुर्बान नहीं कर सकता जी। ए पगड़ी आपको मुबारक जी। एकदम चुप कर। ओ जी, अगर कुछ गलत कहा ते माफ कर देना जिठानी जी। जी तुसी वट्टे ते राधा छोटी जी, जेठ जी वट्टे ते राधा छोटी है जी, राधा एथे है, एथे जमीन पर है। ओ प्राजी इसका दिमाग खराब हो गया, इसमें माता शाह आ गई, मैं अभी निकालता हूं। और तू चल मेरे नाल, और तू चल मेरे नाल, और मैं करता हूं तेनू ठीक। चल नहीं जी, नहीं। और चल तू चल। और जी चीट जी याद जरूर रखना है, मैंने झूठ तो नहीं बोला, बिल्कुल झूठ झूठी नहीं बोला मैंने। मैं क्या जी, गलती से नशा वशा कर लिया है इसने, नहीं तो बेचारी ऐसी नहीं है, है जी? नहीं राजरानी, उन्हें कोई गलत गल नहीं बोली। नशे में आदमी हमेशा सच बोलता है।
लाला जी एक सेकंड। अमृत अमृत आंखें खोलो अमृत। अमृत आंखें खोलो अमृत। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अमृत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अमृत आंखें खोलो। लाला जी अमृत खुश तब होगी जब आप उसके सर पे अपना हाथ रख के उसको आशीर्वाद देके खुशी खुशी इस घर से विदा करेंगे। आशीर्वाद दीजिए लाला जी कि मैं अपनी होने वाली बीवी की खुशियां जीत सकूं, एक बेटी को उसके माँ बाप का आशीर्वाद दिलवा सकूं और एक बाप के हाथों उसकी बेटी को खुशी खुशी विदा करवा सकूं। मुझे कोठे पे ना पति जी गए थे रंधीर तो माँ जी ने पति जी को आपके डांट से बचाने के लिए उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया था। अमृत अमृत देखो देखो बाबूजी कितना परेशान हो रहे हैं। अमृत आंखें खोलो उठो अमृत 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 आके खुलो अमृत। इतनी ताकत कहां से आ जाती तेरे अंदर? इतना सब झेल के भी कैसे चुप रहता है तू? झूठे इल्जाम बर्दाश्त कर लेता है, ना बुरा करने वालों का भला करता है, इतना प्यार इतना अपनापन कहां से लाता तू? मैं रोज रामचरित मानस पढ़ता हूं फिर भी अमल नहीं कर पाता उसमें लिखी सारी बातों का। तेरे अंदर दया धर्म प्यार प्रेम क्षमा खूट खूट के भरा हुआ है। फिर कैसे इनकार कर सकता हूं मैं? कैसे इनकार कर सकता हूं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए? खोला मरु तेरे बाबूजी ने इस रिश्ते तो कोई एतराज नहीं है। अखा खोल अमरु अखा खोल पुत्र तेरे बाबूजी ने इस रिश्ते तो कोई एतराज नहीं है। एक दोनों को आशीर्वाद दे दिए तेरे बाबूजी ने आके खो आराम ना आराम ना। Thank you.
ना ना अमरू, हाथ ना छुड़ा। तेरे बाबूजी ने ना तुम दोनों को आशीर्वाद दे देता है। अमृत बाबूजी, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.